सो गाइस, हम जो है वो एक जगह आए हैं और पीछे बहुत शोर आ रहा होगा आपको ट्रैफिक का, क्योंकि ये मदीना रोड है मेरे पीछे। और मेरा और मान का एक म्यूचुअल शौक है, और ये शौक जब से है, मान को तो शायद बचपन से है और मुझे जब से है, जब से मेरी मान से शादी हुई है, तो हम दोनों का ये म्यूचुअल शौक है। और वो शौक ये है कि हम हर थोड़े दिन बाद जब हम डिसाइड करते हैं हम गाड़ी चेंज करनी है या हमें कौन सी गाड़ी लेनी है, तो हम शोरूम्स जाते हैं और डिफरेंट गाड़ियाँ देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट्स न्यू इन द मार्केट। तो हम आए हैं द वन एंड ओनली मर्सिडीज। अगर आप मेरी बात करें तो मेरी फेवरेट तरीन गाड़ी जो है वो मर्सिडीज़ होती है। और मर्सिडीज़ की कौन सी गाड़ी होती है, तो वो फ़िलहाल चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ, लेकिन फ़िलहाल आजकल जिस पे मेरा दिल आया हुआ है वो एस क्लास कूपे। तो दिखाती हूँ आपको डिफरेंट गाड़ियाँ। हम मर्सिडीज़ में और ऐसे ही शगल मस्ती में आए गाड़ियाँ देखने, देखेंगे कौन सी अच्छी है, हो सकता है अल्लाह पाक हमें दे दे इंशाल्लाह, बिज़्निल्लाह आपको भी दे दे। तो आप बताइए नीचे कमेंट करके किस किस को चाहिए मर्सिडीज़ इंशाल्लाह। और हाँ, मुझे याद आया कि अब तो लेडीज़ की ड्राइविंग भी अलाउ हो गई है, तो आप लोगों में से किस किस का प्लान है मर्सिडीज़ लेने का और किस किस का नहीं है, कौन सी गाड़ी पसंद है आपको, मुझे बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट करके। और अभी मैं सी क्लास में बैठने जा रही हूँ, C200, दिखाती हूँ आपको इसमें बैठते हैं। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे वीडियो बनाऊं किस हाथ में लेके। वाओ, अमेजिंग कार दिखाती हूँ। सो मेरी अपनी मर्सिडीज होगी जब, तो ऐसे व्लॉग बनाऊंगी बस इंशाल्लाह, दुआ कर दें आप लोग। और अब मैं फ्रंट सीट पे मान के साथ ई क्लास में बैठी हूँ। जी मान, बताइए। खूबसूरती जो है ये पूरी एक स्क्रीन है, इसमें कुछ भी वो नहीं है, एनालॉग नहीं है, ये स्क्रीन है। सुकून देख रही है गाड़ी के अंदर पूरा। हाँ भाई, क्या सोचा? उफ उफ उफ, मेरे तो सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई। वाओ वाओ, हाँ जी दोस्तों, निकल गए हम शोरूम से और अब प्लान्स को फॉलो करते हुए देखें कहाँ जाते हैं। आज का मेरे ख्याल से नमोस डे आउट लिख देते हैं आज के व्लॉग को, नमो का डे आउट।
जैसे बेबीज डे आउट है ना, ऐसे नमोज डे आउट. कुछ बचा ही नहीं ना बोलने के लिए. वो जो यार, वो जो जीटी में बैठी हूँ मैं, कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए. एंड 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 अल्फाज ख़त्म हो गए मेरे. यार मैं तहलिया आई हूँ और जो है ना जहर की नमाज का टाइम है, तो हमें स्केचर्स जाना है. स्केचर्स तो बंद है, तो मुझे एक चीज़ दिखानी है आप लोगों को. और मैं मान से रिक्वेस्ट करके गाड़ी रुकवा के आई हूँ ये आपके लिए, वीडियो बनाने के लिए. ये देखिए, आई लव तालिया लिखा है यहाँ पे, बहुत प्यारा लग रहा है. तो फिर क्या ख्याल है, इसके हो जाए सिनेमैटिक शॉट्स. हेलो फ्रेंड्स, हाँ तो हम लोग तहलिया स्केचर्स आ गए हैं. तहलिया स्ट्रीट पे ये स्केचर्स की एक ब्रांच है और यहाँ पे आए हैं हम. और आए इसलिए हैं ताकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं और वीडियो बना के आपको दिखा सकूँ, आप लोगों के लिए ताकि आपको दिखा सकूँ. बहुत अच्छी सेल और ऑफ़र लगी थी, तो आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं इसकी वीडियो बनाने के लिए. मैं स्केचर्स के बारे में थोड़ी सी शॉर्ट सी इन्फो आपको देना चाहती हूँ. और दोज पीपल हु नोज़ अबाउट स्केचर्स वेल, ये वाली बात उनके लिए नहीं है ये इन्फॉर्मेशन, बट जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने खुद सोचा कि आपको देनी चाहिए. स्केचर्स क्या है? स्केचर्स एक अमेरिकन लाइफस्टाइल एंड फुटवेयर ब्रांड है, जूतों का ब्रांड है, शूज़ का ब्रांड है. स्केचर्स वर्ल्ड वाइड ब्रांड है, दुनिया में हर जगह मिलता है. ये ब्रांड 1992 में ऑर्गेनाइज हुआ था. मैनहट्टन ओशियन कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर्स हैं और ये दुनिया का थर्ड नंबर पे दुनिया पे एथलेटिक शूज़ का, एथलेटिक फुटवेयर का ब्रांड है. ये वीडियो बिल्कुल भी पेड नहीं है, सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को, जो भी मेरे को देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेल लगी हुई है यहाँ पे स्केचर्स पे, ये वाली बात, ये मालूमात, ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच सके और आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, इसलिए सिर्फ मैं ये वीडियो बना रही हूँ. अदरवाइज़ कोई पेड प्रमोशन नहीं है इसकी. और मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं ख़ुद हमेशा स्केचर्स पहनती हूँ और हमेशा स्केचर्स यूज़ करती हूँ. 499 रियाल में 2 पेयर ऑफ शूज़, बुरे नहीं हैं यार. 250 रियाल के शूज़ सालों चलते हैं. ये वॉशेबल होते हैं, इनको आप अपने वॉशिंग मशीन में डाल के वॉश कर सकते हैं या हैंड वॉश कर सकते हैं. यार वीडियो बनाते बनाते हम दोनों को शदीद भूख लग गई है, तो खाना खाने आए हैं. हॉट एंड स्पाइसी ग्रिल अजीज़िया में एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे, तो चले चलते हैं अंदर. सो फ्रेंड्स, हम रेस्टोरेंट आए खाना खाने और मैं बैठ गई हूँ, मान वॉशरूम गए, रिफ्रेश होने थोड़ा सा. और ये मेरा मुंह इतना लाइट जो आ रही है वो इसलिए कि मेरे सर पे ये लगा हुआ है, इसकी लाइट मुंह पे पड़ रही है. तो फिर कुछ ऑर्डर करते हैं और खाना खाते हैं जल्दी से. और हाँ, हॉट एंड स्पाइसी ग्रिल नाम है रेस्टोरेंट का और अच्छे खाने होते हैं, कॉन्टिनेंटल. खाना आ गया हमारा और बहुत भूख लग रही है, खाने के बाद बात करते हैं. बहुत लजीज है. हाँ भाई, तो खाना खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया और इतना भर गया कि शदीद नींद आ रही है क्योंकि मैं सुबह 5 बजे की उठी हूँ. सो खाना बहुत लजीज़ था, हॉट एंड स्पाइसी ग्रिल अजीज़िया में रेस्टोरेंट है. अगर आपको आना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. जैसे अंकल मजबूर है ना, आप में से बहुत सारे लोगों को उनके बारे में पता होगा. और रबिया माना, वैसे ही ये डेजर्ट मजबूर, ये हमें खाना नहीं है. हमें खाना नहीं है क्योंकि हमारा पेट फुल हो गया है, लेकिन हम इसको टेक अवे भी नहीं करा सकते और हम खा भी नहीं सकते. टेक अवे इसलिए नहीं करवा सकते
क्योंकि आइसक्रीम पिघल जाएगी, क्यों? क्योंकि इस डेजर्ट में आइसक्रीम और खा इसलिए नहीं सकते क्योंकि पेट फुल है। और बीच मैंने उसको बोला डेजर्ट रहने देते, तो बोल रहे नहीं वो तो डील में है। तो ये इसका नाम, इस डेजर्ट का जो भी नाम हो, मैंने इसका नाम डेजर्ट मजबूर रखा है। जो बोल मजबूरी है इसको खाना हमारी, बस अच्छा है। ये व्लॉग आज का इतना ही था, यहीं ख़त्म करते हैं इसको। मिलते हैं किसी नई जगह किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी मुफ्त 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 मुफ्त, कुछ पे करना नहीं पड़ेगा आपको दुनिया में कहीं से भी। प्लीज़ करिए और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा ओवरऑल। बाय बाय। कॉपीराइट ना लग जाए इस पर, मान भी डांस कर रहे हैं सामने।